मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल जहां पूरा देश होली के रंग में रंगा हुआ था, मगर वहीं कुछ शरारती लोग होली के आड़ में मस्जिद पर रंग फेंक कर माहौल खराब करने की कोशिश की। यूपी के बरेली में मस्जिद पर रंग फेंका गया, तो वहीं संभल में भी मस्जिद पर रंग फेंकने का मामला सामने आया है। संभल में जुलूस के दौरान मस्जिद पर रंग फेंकने के बाद माहौल बिगड़ गया और यहाँ पथराव भी हुआ। हालांकि काफ़ी यहां पर माहौल बिगड़ चुका था, मगर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू में कर लिया। थाना कोतवाली संभल के अंतर्गत खगुसराय नामक स्थान पर आज दोपहर होली के जुलूस के दौरान किसी अराजक तत्व के द्वारा एक मस्जिद पर रंग फेंकने की घटना प्रकाश में आई। रंग फेंकने के पश्चात दूसरे संप्रदाय के व्यक्तियों के द्वारा जुलूस निकलने के बाद कुछ उपस्थित लोगों के ऊपर पथराव की घटना भी सामने आई है। इसके बाद जुलूस सफल सम्पन्न हुआ। जुलूस के सम्पन्न होने के बाद यह जानकारी प्राप्त हुई कि मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा है। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। दोनों पक्ष अपने अपने घर जा चुके हैं। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम है। मस्जिद पर लगे हुए रंग को स्थानीय लोगों के सहयोग के द्वारा पुलिस के द्वारा साफ करा दिया गया है। किसी प्रकार की जानमाल का कोई नुकसान नहीं है। शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है तथा वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से बरेली में भी किसी शरारती तत्व ने होली के जुलूस के दौरान मस्जिद पर रंग फेंक दिया और जैसे ही मस्जिद के मुअज्जिन साहब सामने आए, उन पर भी रंग फेंका गया। मगर इसी दौरान मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हो गए और शिकायत दर्ज करने की मांग करने लगे। पुलिस ने दो भाजपा नेताओं सहित करीब 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। यहाँ घटना ये हुई थी, मैं मस्जिद में सफाई कर रहा था, इसी वक्त मुझे शोर सुनाई दिया डीजे का। मैं गेट पर आकर के खड़ा हो गया, मैंने देखा कि 4 दरोगा थे और 8-10 पुलिस वाले थे, पुलिस जीप की गाड़ी के आगे आके चल रहे थे, जिसमें के डीजे लगा हुआ था। उस गाड़ी में 25-30 लोग हुड़दंग मचा रहे थे रंग के साथ। बाकी पीछे मैंने देखा राहुल गुप्ता भी थे, सुरेश गंगवार भी थे, इनकी मौजूदगी में सैकड़ों लोग थे, जुलूस की शक्ल में चल रहे थे। जैसे यहाँ पर आए, उन्होंने मुझ पर रंग फेंका और यहाँ बढ़ करके मस्जिद के अंदर भी रंग फेंका, जिससे कि आप लोगों ने देखा है सब में रंग पड़ा हुआ है। मैंने मना करा तो गाली देखे कि बस अब ये कुछ नहीं चलेगा, हिंदुओं का चलेगा जो भी कुछ चलना है। मुसलमानों के खिलाफ बहुत बहुत भद्दी गालियाँ दे रहे थे और मैंने जब कहा तो पुलिस और लेकर के उनको चली गई, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं करी। सबसे पहले तो मेरी प्रशासन से ये मांग है कि यहाँ इस रूट से होली का जुलूस नहीं निकलता है, तो इन्होंने परमिशन क्यों दी? कार्रवाई होना चाहिए, इसमें परमिशन दिए। और जिन लोगों ने आपकी बार पहली बार निकला है, पहली बार निकाला है इन्होंने जुलूस यहाँ से होली का, और जिन लोगों ने ये करा है, जिनकी मौजूदगी में ये जुलूस था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए।